नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब वक्त है आज की 2 बड़ी खबरों का जिक्र करने का। देश में फिर से नमाज बनाम जय हनुमान का मुद्दा गर्मा गया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों का जो गुस्सा है वो उबाल पर है। आपको ये तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर, ये लखनऊ का लुलु मॉल है जहां पर नमाज बनाम अब जय हनुमान हो गया है। दरअसल ये तस्वीरें सामने आई थी, हाल ही में इस मॉल का इनॉग्रेशन किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें जो सामने आई, यानी मॉल के अंदर नमाज अदा की जा रही थी और ये तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठन लगातार गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा उबाल पर है क्योंकि उनका कहना है कि अगर यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी तो हम भी यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हम भी यहाँ पर सुंदर कांड का पाठ करेंगे। तो हिंदू संगठनों में गुस्सा है इस तस्वीर के सामने आने के बाद। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ज्ञापन सौंपा जा रहा है और इस मामले में अब ये साफ कर दिया गया है कि अगर इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर आगे जो हिंदू संगठन है वो भी मॉल के अंदर साफ कह रहे हैं कि सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा। दूसरी तस्वीर, दूसरी तस्वीर हामिद अंसारी के बहाने कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की, राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लुलु मॉल का एक और वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में दो लोग नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार लुलु मॉल से नमाज के वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए, दो मामले हो चुके हैं। अब से पहले आपने देखा जब लगभग 10 से 12 लोग मॉल के अंदर नमाज अदा कर रहे थे, ये तस्वीरें उस दौरान की हैं। उसके बाद अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लुलु मॉल में दो लोग नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं और इसके बाद हिंदू संगठन लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, उबाल देखने को मिल रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी तो साफ कहा था अगर ये चीजें नहीं रुकी तो हिंदू संगठन भी आकर सुंदर कांड का पाठ करेंगे। यानी अब एक बार फिर से नमाज बनाम जय हनुमान हो गया है ये पूरा मामला। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर लुलु मॉल में ये वीडियो जो है वहां से सामने आया है, मॉल के अंदर नमाज अदा की जा रही है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद रोष देखने को मिल रहा है, हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो लगातार लुलु मॉल से नमाज के वीडियो सामने आ रहे हैं। आखिर मंशा क्या है इसके पीछे, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं इससे किस तरह हिंदू संगठनों का कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। यदि नमाज की इजाजत दी जा सकती है तो सुंदर कांड का पाठ क्यों नहीं किया जा सकता, ये कहना है हिंदू संगठनों का। जो लेटेस्ट आप कह सकते हैं वीडियो आया है उसमें दो लोग नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा लगभग 10 से 12 लोग नमाज अदा कर रहे थे, तो एक के बाद एक ये जो वीडियो सामने आ रही है इसके पीछे मकसद क्या है। उधर लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने सुंदर कांड पाठ करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को नजरबंद कर दिया गया है। इसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने सुंदर कांड का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। शिशिर के घर के बाहर तड़के सुबह से ही पुलिस ने डेरा डाला हुआ है, खुद ADCP उनके घर पहुंचे हुए हैं। कर्मचारियों की वो लिस्ट लाए थे, जो हमने लव जिहाद का आरोप लगाया था उसको लेकर लिस्ट लाए थे कर्मचारियों की, और उन्होंने कहा था जो वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हैं उन कैमरों में कि
जो नमाजी थे उनको चिन्हित करने के लिए कुछ समय दिया जाए, और एडीसीपी साहब ने कहा जब वो चिन्हित हो जाएंगे तो उनको पकड़ने के लिए हमको कुछ समय दिया जाए। तो इन बातों को लेकर के फिलहाल इस कार्यक्रम को आप कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि लगभग कितने दिन लगेंगे, तो कह रहे जल्द से जल्द इसका मैं आपको वचन दे रहा हूँ इनको अरेस्टिंग करूँगा। लुलू मॉल से जुड़ा आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि विरोध की एक लहर उठ गई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और आखिर विरोध क्यों हो रहा है, क्यों लगातार सोशल मीडिया पर लुलू मॉल की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं और ट्रेंड हो रहा है। लुलू मॉल का मामला क्या है, 10 जुलाई को लखनऊ में लुलू मॉल का उद्घाटन किया गया था। देखिए वक्त ज्यादा नहीं हुआ, अब से 5 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है, 2 तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 11 जुलाई को मॉल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी 10 तारीख को उद्घाटन, 11 तारीख को लोग इसके अंदर आए, लोगों के लिए इसे खोला गया। लेकिन 12 जुलाई को मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई, यानी आम जनता के लिए जैसे ही इस मॉल को खोला गया अगले दिन से ही देखा कि नमाज पढ़ने की जो वीडियो है वो वायरल होने लगी। नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, यहां तक कि कई सोशल साइट्स पर ये मॉल और ये मामला दोनों ही चीजें ट्रेंड कर रही थी। हिंदू संगठनों ने नमाज पढ़ने पर इसमें आपत्ति जताई है, हिंदू संगठन लगातार इस मुद्दे पर मुखर हो गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है आखिर नमाज कैसे अदा की गई है मॉल के अंदर। 14 जुलाई को नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, यानी कल इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जो लोग मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। ये पूरा मामला है लुलू मॉल से जुड़ा हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं एक मॉल जो 5 दिन पहले जिसका उद्घाटन हुआ है उसमें नमाज पढ़ने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर मॉल के अंदर नमाज अदा की जाएगी तो वो भी सुंदर कांड का पाठ करेंगे, यानी नमाज बना हनुमान, ये पूरा मामला अब इस ओर जाता नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी लुलू मॉल में नमाज पढ़ने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा था और कार्रवाई की मांग भी की थी। ये एक अखिल भारत हिंदू महासभा के सज्जन हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, इन्होंने लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के संबंध में एक शिकायत की है और जिसके संबंध में जांच कर जो भी होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा है किस हिस्से में कहां पे ये पढ़ा गया है, उसके CCTV फुटेज लिए जा रहे हैं और जो भी इस पे होगा जांच कर। नहीं देखिए, लुलू मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है और जिस प्रकार से वहां पर 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है, इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहाँ पहुँच कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे साथ हिंदू महासभा अध्यक्ष शिशिर उपाध्याय जी जुड़े हैं। शिशिर जी, जिस तरह ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, 5 दिन पहले जिस मॉल का उद्घाटन हुआ है उसमें उद्घाटन के अगले दिन ही ये तस्वीरें सामने आई, लोग अंदर जाकर नमाज अदा कर रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपने जब सुंदर कांड का पाठ करने की बात कही तो आपको नजरबंद कर दिया गया। चलिए, तो लुलू मॉल में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं और हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। आखिर क्यों नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई और सुंदर कांड का पाठ नहीं करने दिया जा रहा है। ये मामला सामने आते ही इस मामले में एक्शन की बात कही गई। सबसे अहम सवाल, आखिर लुलू मॉल जहां पर भी होता है वहीं पर विवादों में क्यों घिर जाता है, क्यों उद्घाटन के अगले दिन ही ये तस्वीरें सामने आई जिसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं।
हनुमान दास जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं लुलु मॉल से सामने आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर नमाज अदा वहां पर की गई तो फिर सुंदरकांड का पाठ करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? देखिए, प्रशासन के लोगों ने वार्ता किया कि प्रशासन इस चीज को बखूबी निभा रहा है और इसको महत्वपूर्ण रूप से देख रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, जो लोग इसमें हैं उनकी गिरफ्तारी होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है, आप लोगों ने कहा हिंदू संगठनों ने, आपने हिंदू महासभा ने सुंदरकांड, आपने कहा हनुमान चालीसा, तो ठीक है, ये रोक नहीं है, लेकिन इससे अव्यवस्था फैलेगी। किसी ने गलती किया है तो फिर आप भी वहां पहुंचकर ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो हम लोगों ने प्रशासन की बात को माना है, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है। राजू दास जी, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शिशिर जी, आपकी क्या मांगे थी, क्योंकि जिस तरह खबरें आई कि जैसे ही ये बात कही गई कि सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा उसके बाद नजरबंद करने की कार्रवाई की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन के हम लोग प्रशासन के लिए जो ये कड़ी चुनौती तो कही है कि जिस प्रकार से हम लोग जब कहते हैं तो हम लोग पहुंचते जरूर है, तो प्रशासन ने हमारी मांगों को स्वीकार करते हुए वहां पर यह कहा कि जो गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द पहचान करके सुनिश्चित करेंगे, सारे कैमरों को हम लोग चेक करा रहे हैं, कहाँ से आए, कैसे गए, ये लोग कौन थे, तो इस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कुछ समय हमको दिया जाए, तो उसको लेकर के हम लोग ने प्रशासन का सहयोग किया है। अब हिंदू महासभा की क्या मांगे हैं, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि प्रशासन की ओर से सहयोग मिलता तो नजर नहीं आ रहा है, नजरबंद करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दो वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं मॉल के अंदर। जी, दूसरा जो मामला हुआ है उसी के बाद प्रशासन ने दबाव बनाया इनके ऊपर और कहा कि आप FIR खुद कराइए, अगर आपके आदमी नहीं है तो आप FIR कराइए, उनके ऊपर क्यों भी करा रहे हैं। तब उन्होंने उसको FIR कराया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी सुरक्षित हुई है सबकी और मामले को आगे बढ़ाया गया। तो एक हफ्ते का समय दिया, हमने कैंसिल नहीं किया, इसको स्थगित किया है। बिल्कुल, यानी कहा जाए कि फिलहाल सुंदरकांड का जो पाठ करने का ऐलान था हिंदू महासभा की ओर से उसे स्थगित कर दिया गया है और प्रशासन पर भरोसा जताया है कि ठीक है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल 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 ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया शिशिर जी अपना पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल, एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे खास मेहमानों का। राजू दास जी हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज भी हमारे साथ हैं। राजू दास जी, देखिए फिलहाल के लिए तो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है सुंदरकांड करने का, लेकिन लगातार जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं देश में, देखिए जिस तरह हिंदू संगठनों में रोष है कि आप नमाज अदा करने की इजाज़त दे रहे हैं, हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इजाज़त ली गई थी या नहीं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हिंदू संगठनों को आगे जाने से रोका जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका जाता है, सुंदरकांड का पाठ करने से रोका जाता है। देखिए, हिंदू संगठन तो सहिष्णु है, कभी किसी ऐसे झंझावात में नहीं फंसता है। आप देखिए, अभी इधर की ही घटना है, अभी चिश्ती परिवार ने भगवान भोले हमारे आराध्य इष्ट देवता हनुमान जी महाराज, आप देखिए गणेश भगवान को क्या क्या नहीं कहा, अभी तत्काल की घटना है, ज्यादा दिन नहीं, ये परसों की घटना है, अब शब्द का प्रयोग किया। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि इस्लाम को मानने वाले, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हम किसी की भावना आहत करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे मन में टी से तकलीफ है वो मैं आपके पास रख रहा हूँ। जिस प्रकार से पूरे देश में नुपुर शर्मा के मामले में मुस्लिम पक्ष रोड पे पत्थरबाजी, सरकलम की बात, बड़े बड़े मुल्ले, बड़े बड़े मौलवी के द्वारा कहा जाना कि हम माफी नहीं देंगे, सरतन से जुदा, और वो भी गया दो तीन सामान्य आदमी जो कमाने खाने वाले लोग थे, जो जिसको कभी हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, जो उन मुस्लिम भाई के शादी में कुछ पैसे भी दिए थे, सहयोग भी किए थे, उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो इनके अंदर इतना कट्टरता का भाव, इनकी मानसिकता इतनी कट्टर, ये समझ में नहीं आता है कि हिंदुस्तान जो सनातन संस्कृति मानने वाला बहुसंख्यकों का हिंदू, हिंदुओं का बहुसंख्यकों, बहुसंख्यक समाज का जो परिवार है, ये जो तथाकथित अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन तथाकथित ये अल्पसंख्यक है नहीं। एक समय था धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, हमने भाइयों को गले लगाया, हमने जाने नहीं दिया, हमने कहा यार
भाई मेरे कहां जाओगे, तुम्हारा हिंदुस्तान है, यही रहो। यहाँ रहने के बाद देखिए संख्या 6 करोड़ से 40 करोड़ हो गया, सारे सुख सुविधा सारे अधिकार इनको मिल रहे हैं, सरकार की सारी योजना के लाभ ले रहे हैं। जब वक्त आता है ये बताते हैं कि न्यूज नेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर, चलिए थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है राजूदास जी के साथ। नीरज आपके पास आना चाहेंगे, अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अब पहली तस्वीरें सामने जब आई, वीडियो सामने आया तो उसके बाद विरोध हुआ, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें दो लोग नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए 10 जुलाई को इस लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आकर इसका उद्घाटन किया था। और लुलु मॉल अभी तो चर्चा में है ही, जब ये बन रहा था तभी लखनऊ वासियों के लिए काफ़ी चर्चा में था कि जब ये खुलेगा तो उसमें वो जाएंगे शॉपिंग करेंगे, लेकिन इसके खुलने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया, और विवाद भी ऐसा जिसका अगर कहा जाए कि कोई सर और पैर नहीं है। कि पहले दिन मॉल खुलता है, उसके बाद फिर नमाज अदा होती है, फिर हिंदू संगठन अपना विरोध दर्ज करते हैं, तो अब इस समय कुल मिलाकर कहा जाए विवादों के घेरे में ये लुलु मॉल आ गया। और इस समय हम खुद लुलु मॉल के बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। मैं कहूँगा कि लुलु मॉल की तस्वीरें दिखाएं, ये सामने हमारे ये लुलु मॉल है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों की जो संख्या है दोनों गेट्स पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, कम से कम 25 से 30 पुलिस वाले हर गेट पर खड़े हुए हैं, चूँकि जिस तरह से हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि यहाँ कर वो पूजा पाठ करेंगे। और इसके अलावा लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि इसके अंदर नमाज अदा की जाती है। ये बिजनेस पॉइंट है, ये लोगों को समझना चाहिए, यहाँ पर लोग अपना बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी शॉप्स यहाँ पर लेकर बैठे हैं, तो और इसके अलावा लोग शॉपिंग करने आते हैं, उन्हें इस तमाम चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन जो विवाद करने वाले लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें लगातार कर रहे हैं, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल है कि देश का जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए, महंत राजूदास जी आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया पर जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए लुलु मॉल का मामला जिस तरह बढ़ रहा है और इस मामले में किरकिरी होने के बाद लुलु मॉल प्रबंधन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में। वही लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने के मामले में लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। हिंदू संगठनों ने भी लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया था जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। फिलहाल लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लुलु मॉल के बाहर हम खड़े हैं, इसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और उद्घाटन के बाद से ही राजधानी लखनऊ में बना लुलु मॉल विवादों में आ गया। ये देखिए हमारे सामने ये है लुलु मॉल और यहाँ पर पुलिस की बहुत ज़्यादा और सख्त व्यवस्था की गई है। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का जो विवाद था वो फिलहाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले में लुलु मॉल प्रबंधन ने नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लुलु मॉल की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर पूजा पाठ या नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है। पुलिस ने धारा 153, 295, 341 समेत कई धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आज हिंदू महासभा की तरफ से लुलु मॉल में कहा गया था कि वो यहाँ पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। शिशिर चतुर्वेदी ने ये पूरा ऐलान किया था कि जिस तरह से यहाँ नमाज पढ़ी गई है उसी तरह से वो यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समय
लुलु मॉल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि अब शिशि चतुर्वेदी का कहना है, उन्होंने जो कॉल की थी सुंदरकांड का पाठ करने की, वो उन्होंने वापस ले ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर गेट पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, जिससे राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। और जिस लुलु मॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किया था, उस पे कोई और ज़्यादा विवाद या बवाल ना हो। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और आईएसआई एजेंट पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के कथित कनेक्शन का मामला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी को इसके बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिंक पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस आईएसआई एजेंट से आतंकवाद से लड़ना सीख रही थी। बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि भारत की जासूसी करने वाला आईएसआई एजेंट हामिद अंसारी के साथ आखिर कर क्या रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ रहे हैं। पीयूष, लगातार अब कांग्रेस इस मामले पर घिरती नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकार ने जो दावा किया है उसने एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या आतंकवाद और कांग्रेस दोनों के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जो मीडिया में इंटरव्यू दिए गए उसमें साफ तौर पर कहा कि 2005 से 2011 के बीच उसने भारत की यात्रा की और उसने भारत के संदर्भ में तमाम जानकारियां जुटाकर आईएसआई की बड़ी मदद की। और वही पत्रकार देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ एक समारोह में दिखाई देता है, एक मंच पर दिखाई देता है, तो सवाल तो जायज है, लेकिन अब उस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना होगा, क्योंकि अब एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है कांग्रेस के ऊपर। वो बार बार सवाल उठा रही है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों राष्ट्रपति कार्यालय से फोन, उपराष्ट्रपति कार्यालय से फोन जाता है, क्यों उसको बुलाने जाने के लिए बार बार प्रेशराइज किया जाता है आयोजकों को। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, अब उन सवालों के जवाब तो कांग्रेस को देने होंगे। और या तो आपको याद होगा, अभी चंद दिनों पहले ही कांग्रेस ने 22 राज्यों में सम्मेलन किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी के तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उसी मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। बिल्कुल चारुल, मुझे अच्छी तरह से याद है कांग्रेस ने बाकायदे पोस्टर जारी किए थे, तमाम ऐसे चेहरों के पोस्टर जारी किए थे जो कि गृह मंत्री अमित भाई शाह के साथ दिखाई पड़ रहे हैं पीछे खड़े हुए, और उनको बताया था कि ये वो आतंकी हैं और इनके सीधे कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से हैं। लेकिन अब हामिद अंसारी जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा जिस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया, वो व्यक्ति खुद इंटरव्यू देता है पाकिस्तान में अपने आप को, वो ये बताता है कि उसने 2005 से 2011 तक आईएसआई के लिए तमाम दस्तावेज जुटाए हैं भारत से, तो कहीं ना कहीं अब सवाल तो सीधा कांग्रेस के ऊपर है और जवाब भी अब कांग्रेस को देना होगा। चारों बिल्कुल, अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस आकर इस पर क्या कहेगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर तो ये तमाम बातों को खारिज करती नजर आ रही है, लेकिन तस्वीरें लगातार भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस क्या स्टैंड देती है।